नमस्कार, जय सियाराम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे भाइयों और बहनों। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मेरी कथा श्री राम कथा, भाइयों और बहनों, मेरी कथा नहीं, मेरी कथा तो बीच बीच में मैं आप सभी को बता ही देती हूँ आके कि मेरी कथा क्या है। तो जैसे श्री राम सीता विवाह की कथा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ तक की कथा तो आप सभी को बता दिया कि राम लक्ष्मण ना सीता और राम का विवाह हो जाता है। और उसके बाद जनक जी एक और प्रस्ताव दशरथ जी के सामने रखते हैं। तो अब आगे की कथा की शुरुआत मैं करती हूँ। भाइयों और बहनों, YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, और जितना बने मेरी कथाएं आप सभी को अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे वीडियो लाइक पे लाइक कमेंट भी किया कीजिए भाइयों और बहनों, तो मुझे पता चले ना कि मैं अच्छी कथा कह रही हूँ या नहीं। तो आगे की कथा की शुरुआत करती हूँ। पूर्ण हुआ जब राम का सीता के संग ब्याह, कहने लगे तब जनक जी भर दिल में उत्साह। फिर जनक जी जैसे ही सीता राम का विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद जनक जी कुछ कह रहे हैं। कर जोड़ वचन यू फरमाया, राजन एक अर्ज हमारी है, सुन लो अब मेरी प्रार्थना को, मर्जी अब रही तुम्हारी है। हाथ जोड़ के जनक जी कह रहे हैं दशरथ, राजा दशरथ से कि हे राजन, एक अर्जी हमारी है, अगर आपको सही लगे तो आपकी मर्जी, अगर आपको सही लगे तो आपकी मर्जी, तो उस पे हम आगे चर्चा कर सकते हैं। ली शरण आपके चरणों की, हर तरह नाथ अपनाना है, मैं नहीं बराबर आपके हूँ, अब मुझको भूप निभाना है। हमने आपकी शरण ले ली है और आपके चरणों की हर तरह नाथ अपनाना है, अब आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, मैं नहीं बराबर आपके हूँ। जनक जी कह रहे हैं राजा दशरथ से कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, पर मुझको भी भूप निभाना है, ऐसा जनक जी कह रहे हैं। एक इच्छा मेरे दिल में है, वह हम आपको भूप सुनाते हैं, कर कृपा नाथ की जय, पूर्ण मेरी आशा लगाते हैं। फिर दशरथ जी ने कहा क्या है आप बताइए तो सही। तो जनक जी कह रहे हैं कि एक इच्छा मेरे मन में है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको कहूं। है कुदुम हमारा ही राजन, वे भाई बंधु हमारे हैं, है सुता तीन उनकी सुंदर, इच्छुक हो वचन उचारे हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि हे राजन, तीन सुंदर कन्याएं मेरी और भी हैं, और मैंने पहले ही कहा था ना कि जनक जी की नीयत बदल गई है भरत शत्रुघ्न को भी देख के। मांडवी नाम की कन्या है, वह भरत लाल को अपनाओ, श्रुति कृति शत्रुघ्न के लायक हैं जोड़ा पा सुंदर हर्षाओ। उर्मिला बहन है सीता की, लक्ष्मण भी उनके लायक हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि मांडवी का विवाह आप भरत से कीजिए, और श्रुत कीर्ति का विवाह आप शत्रुघ्न से कीजिए, और उर्मिला बहन है सीता की, उर्मिला सीता के बहुत करीब है, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ कीजिए। तीनों जोड़े अति सुंदर हैं, तीनों परम सुखदायक हैं, तीनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी और बड़े ही शोभावन होगी और बड़े ही सुखदायक हैं।
बोले दशरथ जी तभी सुनो जनक भूपाल पूर्ण करो मन कामना मिथिला पति कृपा। जनक जी ने तुरंत आज्ञा दे दी कि हे जनक जी आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा है अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह करने के लिए हमारे पुत्रों के साथ तो हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, हम तैयार हैं। बंधन मजबूत करो समधी बंधन को बंधन कर डालो, बंध गए प्रेम के बंधन में इच्छा मेरी अपना डालो। जनक जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बंधन मजबूत करो समधी। समधी तो आप समझते होंगे हम लोगों के यहाँ समधी समधी, गुजरात में वेवाई वेवाई बोला जाता है, हमारे यहाँ समधी बोला जाता है। और भी हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, आपकी चार बेटियां हमारे चार पुत्रों के साथ अगर ब्याही जाएंगी तो हमारा बंधन और भी, रिश्ते की जो बंधन है अटूट बंधन, वो और भी मजबूत हो जाएगी। भर गए धृग मिथिलेश्वर के रुक सका स्नेह का नीर, नहीं हो गई तैयारी ब्याह की फिर मिथिले मिलने की घड़ी में देर नहीं। अरे जनक जी दशरथ जी ने जैसे ही आज्ञा दी वैसे ही मिथिलेश्वर जनक जी, अब भाई बेटी का पिता चाहे वो तब के जमाने में हो चाहे अब के जमाने में, अगर उसकी बेटी के लिए अच्छा वर मिल जाए तो उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज नहीं है अगर उसकी पुत्री, क्योंकि बेटी का पिता बहुत दबा हुआ रहता है, वो इसी चिंता में रहता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर वर मिलेगा कि नहीं। अब दशरथ जी इतने खुश हो गए कि उनकी पुत्रियों का रिश्ता, तीनों पुत्रियों का भी रिश्ता मंजूर हो गया कि इतनी खुशी के मारे उनके आंखों से नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन्होंने तुरंत तैयारी, विवाह की तैयारी करना शुरू कर दिया। जिस तरह राम और सीता का विधिवत से पूर्ण विवाह हुआ त्यों भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का विवाह सहित उत्साह हुआ। जैसे ही सीताराम का विधि पूर्वक विवाह हुआ भाइयों और बहनों, वैसे ही भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी का विधि विधान से विवाह की तैयारी शुरू हो गई। अब बताइए आज के जमाने में ऐसा हो सकता है, आज के बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया और मान ले? नहीं मानेंगे। हमारे जमाने में था भैया, हमारा भी अरेंज मैरिज हुआ है हमारे घर में सभी का, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है क्या वो ऐसा करेंगी? ना तो जनक जी ने अपनी पुत्रियों से इजाजत ली, ना तो दशरथ जी ने अपने पुत्रों से पूछा ना, और बैठे बैठे दोनों समधी मिलके और ब्याह पक्का कर लिया, और ना तो पुत्रियों ने विरोध किया और ना तो पुत्रों ने उधर विरोध किया। ये होते हैं संस्कार। चारों पुत्रों का ब्याह हुआ आनंद बड़ा छाया है, जोड़ा चारों का अनुपम अति विधि ने खूब मिलाया है। अब तो चारों पुत्रों का विवाह हो गया, खूब आनंद उल्लास से पूरी जनकपुरी भर उठी है, चारों तरफ फटाकड़े, कहां एक का विवाह हो रहा था कहां चार चार बहुए राजा दशरथ को मिल गई और जनक जी को चार चार दामाद मिल गए। यही तो है, कब होनी, क्या कर डाले, क्या लिखा है कुछ पता नहीं चलता भाइयों और बहनों, कब सुख आए कब दुख आए इसका कोई नक्की नहीं है कि कब क्या हो जाए। लेकर के सभी बारात को संग दशरथ जी चले सिहाय, वनवासे में आने को मिथिलेश साथ में लाए। अब दशरथ जी चार अपनी पुत्र बहुओं को लेके, वधुओं को लेके और बारात लेके अब विदाई लेके जा रहे हैं। जनकपुरी की कामनिया मीठी बातें करवाने लगी, छवि निरख के राजकुमार की नैनों की प्यास बुझाने लगी। जैसे ही अब विवाह हुआ विदाई लेके दशरथ जी अपने पुत्रों को और पुत्र बहुओं को लेके जा रहे थे तो नगर में जितने भी लोग थे सब उन्हीं को देखा करते थे और प्रणाम
कर रहे थे भाइयों और बहनों कि अब ये लास्ट बार है, देख लें, फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा श्री रामचंद्र जी को, का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ और दशरथ जी अपनी पुत्र बहुओं को लेके बारात लेके विदाई के साथ अब लौट रहे हैं अयोध्या। तो 10 मिनट का वीडियो हो गया है भाइयों और बहनों, तो मैं ये कथा राम सीता विवाह की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की कथा मैं कल आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आप सभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए। जय सीताराम, जय हिंद।